थे वो, क्या है वो जो ये सब आरोप लगा रहे हैं बैठ बैठ के और हम सोने जा रहे हैं। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स हैं। बहुत पुरानी वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे एक साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो, और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना वो ही सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप एक साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो एक साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद का कोई कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास, खड़े हैं कभी कभी उसके पास खड़े। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने किसी ने ये सवाल नहीं किया? मैं ये सवाल करती हूँ उनको कि इतने सारे उनके उनके फोटोज़ आप देखिए, आपको आपके पास होंगे, मैंने तो देखा था जब न्यूज़ में आ रहा था। तो वो खड़े हैं काफ़ी अच्छी बड़ी गाड़ियों के साथ, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों के साथ, कभी ऑडी कभी कभी जैगवार। उनके पास ये सब पैसे कैसे आए? जो औरतें उनका बराबर से जवाब देती हैं, जो औरतें उनके साथ में बराबर से इंसाफ के साथ और जस्टिफिकेशन के साथ उनको प्रूफ देती है, उनको वो लेडी डाउन बोलते हैं। बाकी अगर किसी को पूछा जाए तो लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डाउन बोलता है? मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं, जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है ना किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। आई टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक, यू हैव गॉट, आई थिंक यू शुड चेक योर मेंटल स्टेटस। वो चैट्स में बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं स्टार्टिंग की। वो एक चैट स्टार्ट हुई थी कि मैडम मेरा, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेरी एक दो मतलब मेरे जो जानने वाले हैं उनकी जो 2 साल की बच्ची है और उनकी बीवी बहुत रो रही है और मैं बहुत लीगल प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। वो उनकी बीवी प्रेग्नेंट भी है और बाकी 2 साल की छोटी बच्ची भी है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तब मैंने जाके इफ़ एनीबडी ऑन अ लीगल फॉरम, मैंने फिर से कहा है कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी माध्यम के थ्रू अगर मुझे कोई मैसेज करता है लीगली तो आई रिस्पॉन्ड बैक। तो मैंने उसको इस माध्यम के थ्रू अपना एड्रेस भेजा, मुझे आइडिया नहीं थी, और अपडेट देख लीजिए, अपडेटेड पीरियड देख लीजिए, मुझे केस का पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे बोला कि मैडम प्लीज़, ऊपर का चार्ट उन्होंने काट दिया है कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरी 2 साल की छोटी सी बच्ची है, मैं हूँ वो होगा या पता नहीं कौन होगा, आई डोंट हैव इस चार्ट्स रिट्राइव्ड, हम बुरे काम करते नहीं हैं, तो डेफिनेटली देर आर 1000 चार्ट्स लाइक दैट। सो वो कोई इंसान होगा जिन्होंने बोला कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, उसकी छोटी बच्ची रो रही है 2 साल की, और मैडम आपकी सख्त ज़रूरत है, एंड आई डू नॉट टेक NDPS केसेस, एंड आई एम वेरी क्लियर आउट द लैट लाइक, बट मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो ऑफकोर्स अगर एंटिसिपेटरी बेल लेना हो, ABA लेना हो, कोई जेल में गया हो, और कोई अगर कोई केस जहाँ बच्चे और बीवी, छोटी सी बच्ची आ जाती है, तो अगर मैं बचा पाऊँ, बेगुनाह हो अगर, तो उस तरीके से आपने देखा कि मैंने अपना एड्रेस भेजा, डेट देख लीजिए, जो उन्होंने ये चैट रिलीज़ किया है उनके लिए ये है कि वो डेट देख लीजिए प्लीज़। वो तो मुझे बाद में भेजा गया, लेकिन वो सब बहुत सारे 8-9 लोग आए हुए थे एक टाइम पे, एंड आई वॉज हैविंग माई मीटिंग, अचानक से ये लोग ऑफिस में घुस गए और बोला था मैडम आपने एड्रेस भेजा है ना, तो जैसे ही वो लोग आए मैंने उन्हें भगा दिया। जब वो भेजा, बोलता मैं आपको अब भेज रहा हूँ ये समन, तो फटाफट उसने मुझे भेजा और मैंने देखा, मैंने बोला आई डोंट हैव एनी अपडेट्स ऑन दैट, आप मेरे चैट से देख सकते हो क्वाइट क्लियर है कि आई डोंट हैव एनी अपडेट्स ऑन दैट। तो वो खुद ही बोलने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा अंदर पिटेगा या व्हाटएवर, लेकिन आई सेड आई डोंट हैव एनी अपडेट्स ऑन दैट।